अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी नमस्कार दोस्तों डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2021 पूरा प्रश्न पत्र हल तो दोस्तों देखिए आपके सामने विज्ञान का प्रश्न पत्र हल आ चुका है तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज पेपर में क्या पूछा गया था कि कैले का आपको रासायनिक सूत्र बताना था इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होगा आपके सामने चार विकल्प है काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में हो सकता है कि गलती कर गया हो लेकिन गैस विज्ञान में ऐसी ही आपको बैक लगवाती है तो पहला जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा था RBC की जीवन अवधि कम हो जाती है कहां पर दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प एनिमिया रोग में ठीक है अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर और आपके बन गए फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या होती है दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है आपका सीरीज का क्वेश्चन है अगर आपने इसको देखा होगा तो फिर अगला क्वेश्चन आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशा गति जी हाँ दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि, तो कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है आपको ये बताना था तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प होगा आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर आई टी या ये तो बहुत बार आपने पढ़ रखा होगा तो वही दोस्तों यहाँ फार्मूला लिखा था ठीक है पहले पांच क्वेश्चन हो चुके हैं पांच में से आपके पांच नंबर आ रहे हैं या नहीं या कितने आ रहे हैं तो आपको देखना है फिर उसके बाद चलिए दोस्तों लोग पढ़ते हैं आज के अति लगुतरी तो के प्रश्नों की तरफ तो अति लगुतरी के क्वेश्चन कैसे थे आसान थे कठिन थे सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे तो देखिए छठा क्वेश्चन है आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व लेंथनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है तो दोस्तों देखिए नाइट में पंद्रह तत्व आते हैं

होता है क्या? जो भाई वही होता है ना मांस भी खाते हो और शाकाहारी खानन भी खाए ठीक है शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते उनको सर्वारी कहते हैं जैसे कि दोस्तों आपका हो गया बिल्ली कुत्ता कुत्ता ठीक है कुत्ता देखा होगा अपने नॉनवेज भी भी खाते वेज भी खाते हैं हैं वेज अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि रक्त जमने में फाइव ब्रिनोजन की क्या भूमिका है आपको दोस्तों ये लिखना है ठीक है तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन आप बना कर लिखते होंगे फिर उसके बाद दसवा क्वेश्चन क्या था है कि आयस के सादृढ़ की क्यों आवश्यकता है लिखना है साढ़ की सामान्य दो विधियां क्या है नाम आपको लिखना है तो दोस्तों की दो विधियां जैसे फेन, फ्लवन विधि हो गई और गुरुत्वीय गुरु विधि ठीक है अगर आपने ऐसा लिख लिया होगा तो चलिए कुछ नंबर आपको मिल जाएगा ठीक है फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है? उसको जरा हम देख लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट करिए देखिए आवेश की गति या प्रवाह में दोस्तों जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है हमारा एम्पियर आपने सुन रखा होगा तो फार्मूला दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर आवेश बटे समय ठीक है तो वही आपने फार्मूला पढ़ा था ना क्यू बराबर आई टी होता बस वही चीज है मात्र आपका एम हो जाएगा ठीक है तो ठीक है पहले ग्यारह क्वेश्चन हमने देख लिया बाकी आपके दोस्तों लघु थ्री में कैसे क्वेश्चन थे देखिए जैव विकास क्या है खाद्य जल को समझाइए मतलब ये देखिए दो क्वेश्चन आपके फ्री वाले हैं निस्तापन वर्जन ये भी दोस्तों मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन था मंडली की सारणी से आप क्या समझते हैं आसान क्वेश्चन था प्राथमिक उपचार आसान क्वेश्चन चुंबकीय बल रेखा जी हाँ दोस्तों देखिए बाकी के आपके जितने भी क्वेश्चन थे ठीक है ये सात क्वेश्चन मतलब दोस्तों सारे मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे तो अगर आपका पेपर खराब भी हुआ होगा मान लेते दोस्तों आपके यहाँ गलती हो गई यहाँ गलती हो गई तो दोस्तों आप यहाँ पर चौदह नंबर का ये जो आप सात क्वेश्चन देख रहे हैं चौदह नंबर के होते हैं ये तो गैस आप इसमें कवर कर सकते हैं तो उम्मीद है कि काफी बच्चों ने इसमें कवर कर लिया होगा नंबर कम होंगे सब मैनेज हो जाएगा ठीक है परेशान नहीं होना है तो चलिए इसके बाद दोस्तों हम गणित का प्रश्न पत्र हल देखेंगे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों सीटेट और यूपीटेट के आगे तैयारी कैसे करनी है सारी वीडियो में आगे डिस्कशन होता रहेगा फिर मिलते हैं स्टेकनेक्ट